ध्यान दीजिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे कोट इना मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसमें एक कोट लगता है, और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है वो कोट का नाम क्या होता है, लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स अकेला मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही मुझे कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स की स्टडी कहते हैं, वो हमने कल निकाला हुआ था। ओके, अब उस फोर्स की स्टडी के बाद हम लोग एक डिवाइस पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, और चैप्टर चल रहा है आपका फोर। ओके, और उस डिवाइस का नाम हम लोग ने रखा हुआ है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इस डिवाइस को आज हम स्टडी करेंगे। पहली बात तो हम कोई भी डिवाइस क्यों बनाते हैं, तो आंसर है हर डिवाइस का कुछ ना कुछ यूज होता है। हमने फैन क्यों बनाया, हमको हवा खाने की, हमने फैन बना दिया। हमने बल्ब क्यों बनाए, हमको लाइट चाहिए, अंधेरे में दिखता नहीं है तो हमने बल्ब बना दिए। तो हर एक डिवाइस को बनाते हैं अपने यूज के लिए। अब इस डिवाइस को हमने किस लिए बनाया होगा, तो आंसर है इस डिवाइस की हेल्प से हम नेचर की स्टडी करेंगे। नेचर की वो वाली स्टडी करेंगे जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि ये नेचर किससे मिलकर बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि हम आसपास देखते हैं इस नेचर में दो ही चीजें होती है, एक रेडिएशन होता है, एक दूसरा मैटर होता है। मैटर वो चीज जिसके पास पार्टिकल का नेचर होता है। तो हम पार्टिकल की स्टडी करना चाहते हैं, तो एक पार्टिकल हमारे सामने है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो हम कैसे स्टडी कर पाएंगे, तो आंसर है हम उस पार्टिकल को तोड़ेंगे, और तोड़कर अंदर देखेंगे कि ये पार्टिकल कौन कौन से नए पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो हमने उसको तोड़ा। अब किसी चीज को फिजिक्स में तोड़ने का डायनेमिकल एक्शन क्या है, तो आंसर है हैमर लेंगे और हैमर को हम एक वेलोसिटी देंगे, और उस वेलोसिटी पे जाकर उसको हिट करेगा, उसको तोड़ देगा, और तोड़कर हमको पता चल जाएगा कि ये बॉडी चीज से मिलकर बनी है। अभी तक हम ये स्टडी कर चुके हैं कि ये जो हमारा नेचर है, जो मैटर है, वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, या हम कहते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं। अब हम एटम की स्टडी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि एटम को तोड़ने पर भी हमको कुछ नया मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने एटम को भी तोड़ना चाहा। अब एटम को हमने तोड़ा, तो तोड़ने पर हमको एक पार्टिकल मिलता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो हर प्रकार के एटम में सेम नेचर रखता है, सेम मास होता है हर एटम में इलेक्ट्रॉन का, और सेम चार्ज होता है, और वो चार्ज आप सभी लोगों को याद है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, एक फंडामेंटल पार्टिकल बन गया, क्योंकि हर एटम के लिए उसका नेचर सेम होता है। बट एक प्रॉब्लम आ रहा था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका नेचर सेम नहीं होता है, इसलिए एटम एक टाइप का भी नहीं होता, डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। आपने प्रिडिक्टिव इवेंट स्टडी किया हुआ, उसमें लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। ओके, तो उनके अलग अलग होने का रीजन क्या है, वो हमको तभी पता चलेगा कि जब हम न्यूक्लियस को हिट करके ये पता लगा लें कि इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो आज की स्टडी हमारी उसी बेस पर है, जिसमें हम एक डिवाइस बनाएंगे, और उस डिवाइस से हम इस एटम को तोड़ेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। अब तोड़ने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि वो जब उसको जाके स्ट्राइक करे और उसके प्रत्यक्ष उड़ जाए, और हमको पता चल जाए कि ये पार्टिकल इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। और अगर हमने उसकी स्टडी कर ली तो हम ये समझ जाएंगे कि ये नेचर भी उसी चीज से मिलकर बना हुआ है, तो उसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए, अच्छा तोड़ने के लिए पहली चीज तो हमको ऐसी चीज चाहिए जो भारी हो। अगर मेरे को चौक को तोड़ना है तो मैं एक भारी हैमर लूंगा और उससे हिट करूंगा, ये टूट जाएगा। अगर मैंने एक हल्का पार्टिकल ले लिया और इसको हिट करने की कोशिश की तो ये नहीं टूटेगा। तो तोड़ने के लिए हमको एक हैवी पार्टिकल चाहिए। हैमर से आप उस एटम को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो आपको आंखों से नहीं दिखता है। तो जो चीज आंखों से दिखेगी नहीं, तो ना आप उसको तोड़ पाओगे, ना उसकी स्टडी कर पाओगे, ना उसके इफेक्ट को जान पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हैवी पार्टिकल लेते हैं, और वो हैवी पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि हमको ये पता है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उसको जाके हिट करवाएंगे। बट एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कि ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है और हम भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भेज रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन आएगा, और वो तो रिपल्शन के कारण वो रिपेल होकर दूर भाग जाएगा, तो उसको स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। तो वो स्ट्राइक कब कर पाए, तो आंसर है उसको इतनी वेलोसिटी हम दे दें कि फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वो जाकर उसको हिट कर दे और उसके अंदर से चला जाए। तो हमको क्या देना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो हमारा टारगेट क्या है, वेलोसिटी। इसी तरह का डिवाइस आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में या स्टार्टिंग चैप्टर में स्टडी किया होता है, वर्टिकल जनरेटर।
अब ये एक नया डिवाइस आप स्टडी करने जा रहे हैं, साइक्लोट्रॉन। तो नाम से स्पष्ट है इसमें चार्ज पार्टिकल को हम घुमाएंगे साइकिल में, इसलिए इसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज किया जाता है, तो आंसर है दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डिवाइस से हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में घुमाकर एक सर्टेन वेलोसिटी देंगे, और उस वेलोसिटी से जाकर ये उस एटम को जाकर क्या कर देगा, हिट कर देगा। तो देखिए वन, तो हमको कौन कौन सी चीज स्टडी करनी है, नंबर वन की साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन क्या है, तो हम स्टडी करेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। दूसरी चीज हम इसमें स्टडी करेंगे कि ये जो हम डिवाइस बनाते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल पर काम करेगा। तीसरी चीज हम इसमें स्टडी करेंगे कि अब आपने वो डिवाइस का प्रिंसिपल समझ लिया है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बनाइए, डायग्राम बनाइए कि कौन कौन सी चीजें उसमें लगने वाली है। चौथी चीज हम इसमें स्टडी करेंगे वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। पांचवी चीज हम इसमें स्टडी करेंगे सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी। छठी चीज इसमें हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन, और सेवन वो सातवीं चीज हम इसमें स्टडी करेंगे लिमिटेशन। ओके, तो ये सेवन स्टेप में हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, अ डिवाइस टू गिव्स हाई वेलोसिटी एट हाई एनर्जी, किसको, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। तो इसकी सहायता से हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी देते हैं, और किसी चीज को वेलोसिटी देने का मतलब क्या है, उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। और इसका यूज काहे के लिए किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को, कौन से वाले चार्ज पार्टिकल को, तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन हमने बनाया हुआ है, नेगेटिव के लिए नहीं बनाया, क्योंकि हम लास्ट में जाएंगे जब लिमिटेशन स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन को समझ में आ गया, इसका पर्पस क्या है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना यानी इनको वेलोसिटी देना है, और रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों वेलोसिटी चाहिए। ठीक, अब हम प्रिंसिपल पर बात करेंगे। तो देखिए इसके प्रिंसिपल मैं इतने दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमको ये वाली डिवाइस स्टडी करनी थी, तो इतनी सारी स्टडी हमने इसी डिवाइस को पढ़ने के लिए की है। लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स में हमने ये देखा हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज है, चार्ज पार्टिकल चार्ज होगा और उसके पास एक वेलोसिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपेरिमेंट करेगा अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। अगर उस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसका फोर्स कम लगेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका फोर्स भी ज्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या, मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते। तो पहला प्रिंसिपल हमारा क्या बन गया, अब चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटेड। ये हमने कल भी स्टडी किया था फुल डिटेल में, आज हम उसका केवल प्रिंसिपल राइट अप कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी के बाद एक दूसरे बेटा दिया, तो बेटा आप लोग वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो तो हमारा टारगेट है। इसमें हम एक दूसरी टेक्निक भी यूज करते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। वो हम क्यों लगा रहे हैं वो अभी आपको धीरे धीरे जब मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा इसके बारे में तब आपको समझ में आएगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन अभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आंसर है जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है कुछ वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पर लॉरेंट्ज़ फोर्स लगता है लेफ्ट हैंड रूल से, और वो टर्न होना स्टार्ट कर देता है, और जब वो टर्न होता है तो क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। तो सेकेंड प्रिंसिपल हमारा क्या है, अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड टर्न एंड मेक अ सर्कल। एक बार तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इनको स्टडी करने के बाद डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। अब डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका कैसे बनाएंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं एक बॉक्स लेते हैं, ये वही बॉक्स होता है जो हम लंच बॉक्स यूज करते हैं, मतलब उससे थोड़ा साइज में बड़ा होता है, चपाती रखने का बॉक्स होता है, रोटियां रखने का, यस वो वाला बॉक्स हमने लिया, गुड रहता है। ठीक, अब उस बॉक्स को हमने क्या किया, बीच में से कट कर दिया। जब आप एक बॉक्स को बीच में से कट कर देंगे और वो बॉक्स स्पेरिकल है तो उसका शेप जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको डी आकार का दिखेगा,
क्या देखेगा डी, उसको हम डीज बोला करेंगे यहाँ पर, क्या बोला करेंगे डीज, ठीक है डीज डीज। तो हमने ये बॉक्स लिया और उसको बीच में काट दिया, तो ये एक पार्ट को उसका क्या कहेंगे डीज कहेंगे। इसको नाम दे सकते हो आप डी वन, इसको नाम दे सकते हो आप डी टू। तो डी वन और डी टू उस जो बॉक्स है उसके पार्ट है, सिलेंड्रिकल बॉक्स है। अच्छा अब आप उस बॉक्स को ऑब्जर्व करिए कि जब वो खोखला है अंदर से हॉलो है, तो ये डी जो दिखेगा अंदर से खोखला दिखेगा, यहाँ पर हॉलो इधर से भी खोखला, ठीक। अब इसके बीचों बीच यहाँ पर इन दोनों डी के बीच हम क्या करते हैं, एक आयन सोर्स रखते हैं, और वो सोर्स कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो कोई भी गैस भर देंगे, ठीक है, और जो गैस भरेंगे उससे हमको पता रहेगा कि इस तरह से इससे वो वाला आयन इमिट आउट होगा। हीटर रख दिया हमने, गैस भर दी, हीटर गर्म करेंगे तो क्या होगा, आयंस क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डाउन होगा, एटम का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी टू एनर्जी मिलेगी तो एटम्स का ब्रेक डाउन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन छटककर बाहर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनेगा, और उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का सोर्स यहाँ पर हमने रखा होगा, ठीक है। एक हीटर लगा दिया, उससे हमको क्या मिलेंगे, चार्ज पार्टिकल मिलेंगे, और कौन से चार्ज पार्टिकल को आप यूज करना चाहते हो उस टाइप की आप उसमें गैस भर दो। इसके बाद अब ये जो बीच का जो सेटअप है, ये बीच का जो गैप है ये वाला, इसको हम नाम देंगे गैप। अब ये जो गैप होता है, इस गैप में हम क्या करेंगे, देखिए ये D1 और D2, इसका एक कनेक्शन यहां पे और एक कनेक्शन यहां पे लेकर यहां पर हाई टेंशन ऑसिलेटर मशीन लगाएंगे। हाई टेंशन ऑसिलेटर मशीन क्या होती है, आप अगले चैप्टर पढ़ोगे, फिलहाल अभी मैं इतना इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, किसी टाइम पर इसका एक एंड पॉजिटिव होगा तो ये एंड नेगेटिव होगा, फिर अगले इंस्टेंट पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है, दिस अल्टरनेटिंग ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर होता है हाई टेंशन, ठीक। इसकी सहायता से हम फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे, और वो सेट कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। अच्छा अब इसके बाद ये इधर हो गया करंट, ये इधर करंट हो गया, तो जब जिस समय ये पॉजिटिव होगा तो डी वन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये घूमेगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इस तरह से हम क्या देखेंगे कि ये डी वन और डी टू का ये जो बीच का जो गैप है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस डायरेक्शन में होता है डी वन टू डी टू, कभी इस डायरेक्शन में होता है डी टू टू डी वन, ऐसा क्यों करते हैं वो भी आपको रीजन समझ में आएगा। फिलहाल डी वन और डी टू के बीच में गैप में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, किसकी सहायता से, हाई टेंशन ऑसिलेटर की सहायता से। और आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, स्पेस में होता है जी, खाली जगह में होगा, ओके। अब इसके अंदर क्या है, ये बॉक्स अंदर से खोखला है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, तो आंसर है गॉस लॉ ने स्टडी किया, किसने स्टडी किया था, कि अगर एक बॉक्स है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, तो इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट केवल कहां है, गैप में, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरी तरह का फील्ड लगाते हैं और वो फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक ब्लॉक भी देकर फेंक दिया जाए तो उसको क्या कर देता है, घुमा देता है। और आप यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, या अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे जिसमें करंट फ्लो कराकर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और आपने अभी चैप्टर में स्टडी किया है करंट फ्लो होने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाने में ये हेल्प हमको मिलेगी, मतलब आप जितना चाहे उतनी क्वांटिटी का मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं और वीक भी बना सकते हैं, तो इसमें हेल्प इसकी लगेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये नॉर्थ हमने यहाँ लगाया, साउथ हमने यहाँ लगाया, हम चाहते तो नॉर्थ ऊपर भी लगा सकते हैं साउथ, ये आपको आपके अनुसार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हमने नॉर्थ यहाँ लगा लिया तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करने का तरीका क्या है, कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के कहते हैं राइट एंगल। तो ये दोनों फील्ड लगाने का तरीका क्या है, पैरेलल नहीं लगाते, कैसे लगाते हैं,
ये नीचे वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये डी वन और ये डी टू है और नीचे यहाँ पर क्या रखे हैं यस वो मैग्नेट्स। तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा ऊपर या नीचे, अगर नॉट नीचे है तो ऊपर की तरफ मैग्नेट, नॉट ऊपर है तो नीचे की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे के कहते हैं यहाँ रखिए राइट है। तो ये इसके बाद इसको पूरे कंप्लीट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे जी। अब यहाँ पर एक विंडो होती है, इस विंडो में ट्यूब लगी होती है जो नेगेटिवली चार्ज होती है। क्या होती है नेगेटिवली चार्ज। तो अगर इसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी उसको मिल जाएगी तो ये उसको पकड़ कर खींच लेगा और खींचकर इसकी तरफ फेंकेगा टूवर्ड टारगेट में। तो ये विंडो टूवर्ड कर दी जाती है टारगेट की तरफ लगी जाती है और ये टारगेट का वो चीज रखेंगे जिस क्वालिटी को स्टडी करना है उसको हिट कराना है। ओके अभी फिलहाल साइबरट्रॉन को हम बेसिक फॉर्म में समझेंगे और इसके बड़ा जबरदस्त यूज भी है और आजकल इसमें बहुत ज्यादा सुधार भी हो गया है बाद में देखेंगे। ओके हिंट देता हूँ गॉड पार्टिकल, नाम सुना होगा तुमने गॉड पार्टिकल, नहीं सुना कोई बात नहीं। चलिए ये आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया इसके बारे में हमको लिखना है। अब इसकी वर्किंग का काम करेंगे आपको, तो इसकी वर्किंग समझिए किस तरह से। देखिए वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं, वर्किंग में सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये आयन सोर्स को गर्म करेंगे जिससे आयन प्रोड्यूस होगा और जैसे ही वो प्रोड्यूस होगा ऑसिलेटर चालू रहता है। तो ये अभी मान लीजिए डी वन अभी पॉजिटिव पर है तो डी टू का पर होगा बेटा नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। अब यहां से एक आयन आयन सोर्स से एक आयन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और इसके गैप में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज है और हमको पता है कि चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज पर फोर्स लगेगा अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये उसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी और वो कौन सी वेलोसिटी है एक्सीलरेटेड वेलोसिटी है तो इसका मोशन भी एक्सीलरेटेड होगा और ये एक्सीलरेटेड मोशन के बाद इस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा इसके अंदर इंटर कर जाएगा, ये जो खाली बॉक्स है इसके अंदर ये घुस जाएगा ये अंदर गया और इसके बाद पहले वेलोसिटी जीरो थी मान लीजिए और अब इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको कुछ वेलोसिटी मिल गई और वो वेलोसिटी कितनी है उसकी भी मान लीजिए कितनी है भी। ओके अब ये जैसे इसके अंदर इंटर कर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपको क्या बताता है कि हाँ किसी भी मतलब क्लोज सर्फेस के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर्फेस पर होता है ये आपने पढ़ा हुआ है ठीक है। अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसकी वेलोसिटी बी तो बी रहेगी बट इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है तो उस पर फोर्स लगने वाला है और उस फोर्स की डायरेक्शन दिखाएंगे लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन इक्विटल लाइक दिस तो ये ऐसे घूमेगा। अब ये घूमता है लाइक दिस ऐसे ये घूमा इस तरह और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा ये वेलोसिटी लेकर आया था तो यहाँ पर भी वेलोसिटी थी यहाँ पर भी वेलोसिटी थी। अब ये पूरा घूमता निकले में तो गैप में आ गया ऐसे एक्सीलरेटेड हो जाएगा। अब ऐसे ये गैप में आएगा तो ये ऑसिलेटर इस तरह से सेट है कि जैसे ये घूमा वैसे ये घूमकर ऐसे हो गया तो अब ये वाला पॉजिटिव बन गया ये वाला नेगेटिव बन गया है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन बदल ली क्योंकि ये पार्टिकल ने भी अपनी डायरेक्शन बदल लिया और डायरेक्शन बदलने का कार्य किसने किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने या मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाला है मैग्नेटिक फील्ड ने तो इसको घुमाकर इधर फेंका है ना। अब ये वी वेलोसिटी के साथ आता है और फिर जैसे ये बाहर आया या पॉजिटिव या नेगेटिव डी टू पॉजिटिव डी वन नेगेटिव तो अब इसको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इस पर फिर से ये फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो अब जब भी किसी चीज पर फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी का क्या होगा इंक्रीज की होगी या बढ़ जाएगी तो आज पर अब जब ये यहाँ पर आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अब ये बी वेलोसिटी लेकर आया था अब यदि गैप में आया इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया इसकी वेलोसिटी टू भी हो गई और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उसका पाथ भी बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर जब ये इंटर करता है तो ये उस पाथ में इंटर नहीं करता है
ज्यादा वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड की आप जानते हो वेलोसिटी ज्यादा तो ज्यादा घुमाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये गया टू, पहले वेलोसिटी थी वी डी टू के अंदर, अब डी टू से बाहर निकलकर गैप पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया जिससे इसकी वेलोसिटी बी से बढ़कर बी टू बी हो गई, और अब ये टू बी वेलोसिटी के साथ इसके अंदर इंटर करेगा तो फिर से इसके अंदर क्या है कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट हो गई मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है वो केवल डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अब उसमें ये देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये ऐसे आया पानी रहेगा अंदर की तरफ घुमाएगा लाइक दिस घुमाया और ये अब घूमता है बड़े सर्कल में, बड़े सर्कल में घुमा यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ा टू बी टू बी टू बी, अब इसकी वेलोसिटी बी की टू टाइम्स हो गई, ओके। और ये एक सर्कल लगा, एक सर्कल कंप्लीट करके यहाँ आ गया और ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ इस तरह से, अब ये यहाँ पर आ गया इसकी वेलोसिटी कितनी टू बी, अब जैसे ये टू बी आएगा ऑसिलेटर में फिर से अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, ठीक है वो तो बैठा है ये बात निकल मैं चेंज हो जाऊं, ठीक है। अच्छा अब ये जैसे बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो फिर से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, तो अब इसकी वेलोसिटी टू बी से बढ़कर फोर बी हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई फोर बी, अब ज्यादा वेलोसिटी के साथ ज्यादा बड़ी रेडियस में घूमना है इसको, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी हर साइकिल में वेलोसिटी बढ़ती जाती है और ये इस तरह से इसके अंदर घूमता है और उतने रेडियस तक घूमेगा जितना रेडियस इस बॉक्स का है, उतने डायमीटर तक घूमकर ये यहाँ से विंडो के द्वारा इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये विंडो के अंदर हमने नेगेटिव प्लेट लगाई हुई है जो इसको पकड़ फेंक देगी यहाँ पर डायमीटर पर, वो इतनी वेलोसिटी इसको मिल जाती है जितने भी साइकिल इसमें लगाए और ये इसको डायमीटर को जाकर हिट कर देती है सर, धन्यवाद। तो ये हो गए साइकिल ट्रेनिंग का वर्किंग, समझ आई इसको समझ आ गई। अब इसमें कुछ डाउट्स आपको क्लियर करते हैं, चलिए पहला डाउट लेते हैं उसके बाद हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। इधर ध्यान दो बेटा, देखिए ये चार्ज पार्टिकल यहां पे इसके अंदर इंटर किया और ये घूमा और ये वापस आया, हाफ साइकिल कंप्लीट किया, ठीक। उसके बाद जैसे ये बाहर आता है तो ये इसने भी अपने आप को घुमा लिया, इसने भी हाफ साइकिल कंप्लीट किया, अब ये अगले हाफ साइकिल में इधर जाएगा और ये अपना हाफ साइकिल इस दूसरे वाले डी के अंदर कंप्लीट करता है और फिर ये यहां पर बाहर आता है, तो उतने टाइम में ये हमारा ऑसिलेटर भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट किया कुछ टाइम लगा होगा, उतने ही टाइम में इसने भी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की साइकिलिंग की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए ये छोटा साइकिल लगाया कम टाइम लगा होगा, बड़ा साइकिल लगाया ज्यादा टाइम लगा होगा, और बड़ा साइकिल लगाया ज्यादा और टाइम लगा होगा, तो इस तरह से अलग अलग साइकिल में रेडियस बदलता जा रहा है तो टाइमिंग भी बदल रही होगी, पर जब हम ये ऑसिलेटर को लगाते हैं, ये वाले ऑसिलेटर को लगाते हैं, समझिए फिर से जरा ध्यान से, छोटे रेडियस में कम टाइम, आप भी समझते हो छोटा डिस्टेंस है कम टाइम में कवर कर लोगे, लेकिन डिस्टेंस बड़ा होगा तो टाइम का क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इसको टाइम ज्यादा लगता है और ये ज्यादा टाइम लेकर इसके बाहर आता है, मान लीजिए उतने टाइम तक इसको यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मिला, ये यहां से बाहर है यहाँ पॉजिटिव नहीं मिला, अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पॉजिटिव नहीं मिला तो ये एक्सीलरेटेड नहीं होगा, एक्सीलरेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिटार्ड होगा, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे साइकिल में तो इसको कम टाइम लगता है आ जाएगा, बड़े साइकिल में इसको ज्यादा टाइम लगता है और उस टाइम के चेंज होने से ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, तो अब इसकी वेलोसिटी छोटे टाइम के लिए तो बढ़ेगी लेकिन बड़े टाइम के लिए नहीं बढ़ेगी, तो कैसा होता है, तो आंसर है इसमें ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, तो इसमें ज्यादा उसको सोच विचार नहीं करना है, आपको फॉर्मुला मैं करा चुका हूं, टाइम का फॉर्मुला बताइए, ये टाइम का फॉर्मुला है। अब इस टाइम के फॉर्मुले में देखिए मास चार्ज और मैग्नेटिक, क्या इस फॉर्मुले में रेडियस आता है, हाँ, तो
अगर ये चार्ज पार्टिकल छोटे रेडियस में घूमे या बड़े रेडियस में घूमे टाइम उतना ही लगता है। इसलिए जिस टाइम पर ये बाहर निकल कर आता है अपने आप ऑसिलेटर उसी टाइम पर क्या हो जाता है सेट हो जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं कहते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए ये भी मैंने कल कराया था देखिए क्यू बी अपन तो बी हम लगाते हैं हमको पता रहता है कितना बी हमने लगाया कौन से चार्ज पार्टिकल को निकाला है जो गैस भरेंगे उसका जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका मास हमको पता रहता है चार्ज हमको पता रहता है इसकी कैलकुलेशन करके हमने क्या निकाली फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं ठीक है फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया बस तो ये वाली कैलकुलेशन करके हमने इसको सेटअप कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी रेडियस में जितना टाइम लेगा उतना ही बड़ी रेडियस में टाइम इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो चार्ज पार्टिकल के एक साइकिल में घूमने की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की भी एक साइकिल घूमने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बराबर और ये दोनों की फ्रीक्वेंसी का सेम होने का मतलब ही क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिलिंग चार्ज पार्टिकल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई टेंशन ऑसिलेटर ये दोनों कैसे होते हैं इक्वल को क्या नाम दिया हमने सिंक्रोनाइजेशन या रेजोनेंस रेजोनेंस कराते हैं हम ये आपने क्लास 11 का नाम सुना होगा रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने ऑसिलेटर में वो ऑसिलेशन के चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखिए कैलकुलेशन ध्यान दीजिए कैलकुलेशन में हो क्या रहा है यहाँ पर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसके पास वेलोसिटी है उसको हम घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड का कार्य क्या होता है उसको टर्न कराना और किसी चीज को भी सर्कल में घुमाने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट का नाम क्या सेंटीपेटर फोर्स और वो सेंटीपेटर फोर्स यहाँ पर कौन देता है लॉरेंट्ज़ फोर्स क्योंकि इसके अंदर लॉरेंट्ज़ फोर्स लगता है वही तो उसको घुमाता है तो वो लॉरेंट्ज़ फोर्स किसके पर होता है तो वेलोसिटी एक वेलोसिटी कैंसिल हो गई बेटा तो यहाँ पर एम बी अपन आर बचा यहाँ पर क्यू बी बचा तो हम इसकी रेडियस निकालना चाहते हैं तो हमने रेडियस निकाली तो ये जा गया ये जा गया तो ये किसका फॉर्मूला आ गया रेडियस का। अब देखिए आप ऐसा क्यों हो रहा था कि छोटे रेडियस में इसको जितना टाइम लगता है ठीक उतना ही टाइम उसको बड़े रेडियस में लगता है तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है तो आंसर ये फॉर्मूला आपको बता रहा है अगर रेडियस बड़ा होगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी बड़ी होगी और अगर रेडियस छोटा होगा तो वेलोसिटी भी कैसी होगी तो नहीं बात तो कम रेडियस कम वेलोसिटी सेम टाइम ज्यादा रेडियस ज्यादा वेलोसिटी सेम टाइम क्लियर हो गया मुझे याद है वो डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम चाहे तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो बेटा ये पूरा पार्ट इधर चला जाएगा टेंथ तक जाएगा नीचे तो ये क्या आ गया वेलोसिटी अब इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब हम निकालना चाहते हैं क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको तरीका बताया था बी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। अब आपने बी के स्थान पर आर ओमेगा रखना है ठीक है और आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्यू बी अपन क्या बचा एम तो ये क्या आ गया आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है ओके एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो आपको टाइम पीरियड पता होता है ये टाइम का फॉर्मूला है मैं यहां लिखता हूं टी इक्वल कितना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इसको पलट देंगे नहीं हाँ तो गलत है क्या ये फ्रीक्वेंसी है कि टाइम है ये तो यार टाइम आपका क्या है टाइम है तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा क्यू बी ऊपर चला जाएगा टू पाई एफ आ जाएगा नीचे तो वहां लिखी हुई फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई बेटा क्यू बी अपॉन टू पाई एफ ठीक है तो ये सारी कैलकुलेशन हो गई। अब जरा एक चीज समझिए ये जो इसमें आधा साइकिल कंप्लीट करता है हाफ साइकिल वन डी में और आधा साइकिल कंप्लीट करता है सेकेंड डी में तो हाफ डी में कितने टाइम तक ये रहा तो टाइम स्पेंड इन वन डी उसका फॉर्मूला क्या होगा आधा टाइम लग रहा है तो हम क्या कर देंगे जो टोटल टाइम है उसमें डिवाइड कर देंगे तो हाफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई पाई एम अपॉन टू बी तो ये कभी कभी पूछा जाता है इसके वजह से क्वेश्चन भी आते हैं तो ये आपको टाइम निकालना आना चाहिए और कंप्लीट साइकिल में इतना टाइम लगता है। चलिए अब आगे की डिस्कस करते हैं इधर देखिए ये छोटे रेडियस में घुमा ओके इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है
ये बड़े रेडियस में घूमा तो एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो आंसर है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, ये एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी यस रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसमें आर इज इनडिपेंडेंट इस वाले फॉर्मूले में, इसमें भी इसमें आर डिपेंडेंट ओके, तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है, तो किस पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी और मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा वीक होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। एक बड़े मजेदार चीज मेरे को अभी जस्ट अभी याद आई है, उसका आंसर आपको देना है। सुनिए आंसर, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके पास कुछ वेलोसिटी है ठीक, अब ये वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करता है और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी बढ़ाने का कार्य कौन करता है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी का क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। चलिए, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, v इक्वल टू इतना आएगा लिया गया। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, बताइए वेलोसिटी का क्या होगा? उसमें आई ना सर, फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो आंसर है नहीं बढ़ेगा सर। यहाँ पर कहा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, नहीं बढ़ रहा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है ना, हमने भी यही पढ़ाया और हमारा साइकिल बन लिए यही कहता है, तो फिर इस फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिया है? आप इसी चीज को जरा ध्यान समझिए, ध्यान समझिए जरा, और ये पक्का है कि वेलोसिटी बढ़ाने का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता है। बट हमारे फॉर्मूले में वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर क्या डिसाइड होती है? वेलोसिटी। तो आप देखिए ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, समझना जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इतना जितना ज्यादा गैप कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये फील्ड लगाई और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को छोड़ा, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, अब ये आगे गया, अब इसकी वेलोसिटी v से 2v हो गई। अब आगे और ज्यादा बढ़ जाए उसके लिए आपको दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तो ये 2v से 4v हो गए, फिर दोबारा फिर लगाना पड़ेगा। अब एक किलोमीटर दूर तक हमने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो हमको कितना बड़ा स्पेस चल रहा है, तो जैसे जैसे आप स्पेस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब यहाँ पर वेलोसिटी v से 2v हुई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में 3v हुई, चौथे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको स्पेस चाहिए नहीं चाहिए? तो हमको साइकिल पर इतना नहीं इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, और जो कि इनकन्वीनियंट है इतना बड़ा हम नहीं बना, ठीक है? तो फिर हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम उतना ही रखते हैं, ठीक है? अब जैसे ही उतने इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हैं, अंदर एंटर करता है, कहां एंटर करता है? अंदर। अंदर इसको क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में इसकी वेलोसिटी तो वही आएगी, अब ये उतनी वेलोसिटी को घुमाकर कहां फेंक देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो आपको अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ रहा था, अब उसने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाकर फेंक दिया, तो मुख्य कारण किसका है? घुमाकर देखिए, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है, लेकिन दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर कौन आता है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, ये प्रतिबंध पक्का है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेगा कौन? इसलिए इस फॉर्मूले में क्या आया है? अब और समझिए इसी चीज को, अगर हमने अब देख, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है? इसका वेलोसिटी बनता है। अब हमने इसको भेजा, ये एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, उसके बाद हमने अपने हाथ खड़े कर दिए, अब मैं वेलोसिटी नहीं बना पाऊंगा। क्यों ऐसा क्यों किया इसने? चार चक्री का लग रहा है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड वीक था, तो इसकी वेलोसिटी वीक रहेगी। अब हमने वीक रहने का मतलब यह है कि ये जब घुमाएगा तो ये बड़े बड़े साइकिल में घुमाएगा, इसको बड़े लंबे लंबे, ये एक साइकिल, ये दूसरे साइकिल में वेलोसिटी बढ़ती है, साइकिल बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता है, और ये तीसरा और चौथे साइकिल में ये इतना इसका रेडियस होगा जो इस डब्बे का रेडियस है, उसके बाद इतना घूमेगा, जगह ही नहीं है, सही कि नहीं? तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ पाई। अब हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, सॉरी नेगेटिव फील्ड को इंक्रीज कर दिया, और अगर हम नेगेटिव फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, रेडियस कम हो गई, तो अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, छोटे छोटे साइकिल में घूमता है, तो इतने से ही एरिया में ये 100 चक्कर लगा देगा, और स्ट्रॉन्ग कर दिया तो 1000 चक्कर लगा देगा, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके कम रेडियस में ही इसको ज्यादा चक्कर लगाकर, और हर चक्कर में आप जानते हैं वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि उतना लगे पटक देता है, तो ये इस तरह से वेलोसिटी किसके बेसिस पर बढ़ती है?
यस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो बनती है। ओके तो ये इसके बारे में हो गया, टाइम के बारे में हो गया, सबके बारे में हो गया, क्लियर हो गया ये आपको, ये समझ में आ गया। चलिए अब हाँ जी अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, अब जो लास्ट जो टॉपिक है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब इसको जरा ध्यान समझिए, देखिए इसका लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आया तो यहां पर इसको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, और ये चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स लगेगा और ये नेगेटिव तरफ एक्सीलरेट होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब ये इसके अंदर गया तो अब ये ऐसे आएगा, तो अब यहाँ पर इसके पीछे पॉजिटिव होना चाहिए धक्का लगाने वाला, और यहाँ क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी। अच्छा अब इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते बढ़ते इतनी हाई वेलोसिटी हो गई कि जब वो बाहर निकल कर आता है ये बेचारा पीछे रह जाता है, क्योंकि इसको तो हमने सेट किया है। ठीक है, सेट करने का मतलब ये नहीं है कि ये वही, मतलब हमेशा उतनी ही वेलोसिटी के बाद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, और फास्ट हो जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी घूमने की, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी घूमने की बढ़ जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएंगे, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएंगे तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, तो आंसर है अब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब ये यहां से निकल कर आया तो पीछे पॉजिटिव नहीं मिला, कब मिलेगा इसको आगे, तो ये इसको रिपेयर कर देगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। हाँ तो एक लिमिट तक हम इसको वेलोसिटी दे सकते हैं साइक्लोट्रॉन के आधार पर, उससे ज्यादा वेलोसिटी आप इसको, उसके बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी रिटर्न होना स्टार्ट होगी। क्लियर है, तो वेलोसिटी कहां तक दी जा सकती है, एक लिमिट तक, उससे ज्यादा वेलोसिटी हम इसको नहीं दे सकते, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, इसमें कौन से वाले चार्ज पार्टिकल का हम यूज करते हैं, तो आंसर है इसमें जो हम चार्ज पार्टिकल यूज करेंगे इसका नाम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों यूज कर रहे हैं, नेगेटिव का यूज क्यों नहीं कर रहे, न्यूट्रॉन का यूज क्यों नहीं कर रहे, तो न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता ही नहीं है तो न्यूट्रॉन पार्टिकल नहीं लेंगे, बट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे, तो सुनिए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। सबसे पहले इसका जो लिमिटेशन का जो इंटरेस्ट है वो एक फॉर्मूले से हम कंट्रोल करेंगे, उस फॉर्मूले का नाम है रिलेशन ऑफ मास। मास का रिलेशन बताता है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अनुरूप में वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, काफी फेमस फॉर्मुला है, इसको आइंस्टाइन ने हमको बताया था, उसकी कुछ किए थे, और ये फॉर्मुला हर सिचुएशन में सेटिस्फाई होता है। देखिए एम वो वाला मास है जो वेलोसिटी से उसको प्राप्त होगा, एम नॉट क्या है रेस्ट मास, जब चार्ज पार्टिकल खड़ा है तो उस समय जो भी उसका मास है वो उसका क्या कहलाएगा रेस्ट मास। बी क्या है जो वेलोसिटी को चल रहा है, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। अब सुनिए जरा अगला लिमिटेशन, देखिए इसमें एक नई चीज हमको सीखने को मिलती है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम देखते हैं या किसी भी बॉडी को हम दौड़ाते हैं तो स्पीड के कारण उसके मास में चेंज आ जाते हैं। अब एक ये नई चीज हमको सीखने को मिल रही है यहाँ पर कि स्पीड के कारण मास कैसे चेंज हो सकता है, तो उसको आइंस्टाइन ने हमको बताया इस फॉर्मूले के आधार पर। तो देखिए ये वो वाला मास है जब वो स्पीड में होगा, ये वो वाला मास है जब वो स्पीड में नहीं होगा। तो देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार क्या बता रहे हैं कि v अपॉन c, अगर वेलोसिटी बढ़ गई, अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो ये वाला जो रेशियो है नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव वाले पार्ट का बढ़ने का मतलब ये वाला डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा तो मास का क्या होगा बढ़ जाएगा। तो जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी स्पीड में होती है तो उसका मास बदल जाता है, क्या हो जाता है बदल जाता है, इसके प्रूफ भी आइंस्टाइन ने दिए और ये फॉर्मूला से हम उसको निकाल सकते हैं। तो मास बढ़ जाएगा, और अगर मास बढ़ गया तो अब वो फास्ट भागेगा या स्लो भागेगा, स्लो भागेगा। तो देखिए अब होता क्या, वही चीज होती है कि जब ये चार पार्टिकल इसके अंदर घूमता है तो एक लिमिट तक घूम सकता है, ज्यादा घूम जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसका मास चेंज हो जाएगा और ये भारी हो जाएगा, और भारी चीज स्लो चलती है तो अब इसकी वेलोसिटी दोबारा से रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन की, अब सुनिए इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, हल्के पार्टिकल पर जब फोर्स लगता है, और अभी आपको पता है एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, इलेक्ट्रॉन को हमने इस पर भेजा उस पर फोर्स लगता है, फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बताइए, तो आंसर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास
मास जिसका कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो उतने ही फोर्स में उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और जबकि उतना ही फोर्स हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर लगाए थे वो भारी था, तो उसका एक्सेलरेशन कम था लेकिन फोर्स तो कॉन्स्टेंट था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उतने फोर्स पर रहेगा जितने जितना स्ट्रॉन्ग होने लगाया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इसकी स्पीड जल्दी बढ़ती है, इतनी जल्दी स्पीड बढ़ जाती है कि थोड़ा सा ही घूमने पर इसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के करीब पहुंच जाती है, और अगर इसकी स्पीड उतनी करीब पहुंच जाएगी तो ये रेशियो क्या कह रहा है, ये रेशियो ये कह रहा है कि अगर ये वेलोसिटी बढ़ गई और इसका आप डिवाइड करोगे जीरो, ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, जीरो को अप्रोच करेगी, और अगर ये जीरो को अप्रोच करेगी तो मास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी जल्दी बढ़ जाता है, इसलिए वो उसको हमारी वेलोसिटी नहीं दिखाते, दूसरा को हमारे काम का भी नहीं आता क्योंकि उसके पास मास बहुत कम होता है, हमको वो वाली चीज चाहिए जिसके पास वेट होना चाहिए, वेट होगा तभी तो वो किसी चीज को जाकर हिट करके उसको छोड़ पाएंगे, अब उसके पास वेट नहीं होता उसका, तो हमको उसकी जरूरत भी नहीं, और दूसरी बात उसकी ज्यादा स्पीड के कारण उसका मास क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर हो गया? ये वाली वेलोसिटी इसके अंदर ऑलमोस्ट मान लीजिए 100 है या 600 है 500 है, उस समय तक इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, इसका मास वही रहता है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ई का स्क्वायर, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी 50 है तो आप 50 का स्क्वायर कर दोगे, लेकिन नीचे कौन बैठा है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी 3×10^8, उसका स्क्वायर करिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी से जब छोटी संख्या में क्वांटिटी दोगे तो ऑलमोस्ट वो इससे छोटा ही होगा, तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है, तो उसका मास जो स्टैंडिंग होता है वही रहता है। ठीक है, ओके, तो ये इसमें एक नई चीज है इसमें जो आपको समझा, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन हमने समझ लिया, तो साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल का काम करता है, इसका डिस्क्रिप्शन डायग्राम क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, ये सारे पार्ट आपको इसमें स्टडी करते हैं, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।